ओ बिंदी मैं तू किन्नी सोहनी लगदी ये क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बहुत ही चिकन को मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके इस तरह से कट लगा लिया है। अभी इसमें हाफ नींबू वो स्क्वीज कर रही हूँ। इसमें लगभग 5 पीस है, 2 टेबलस्पून कट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट मतलब आपके टेस्ट के अंदाजा से, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करनी है। जो मसाला है वो अच्छे से अंदर बिल्कुल कट पीस के जो चिकन का अंदर जाना चाहिए प्रॉपरली। ये अभी अच्छे से मैरिनेशन हो गया है। अभी इसको मतलब कवर करके आधा घंटा के लिए मतलब 30 से 40 मिनट छोड़ देना है इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमेस लाइफ। और क्या बन रहा है आज पता चला कुछ? एनी गेसेस? तो आज बन रहा है तंदूरी चिकन, बट मेरे पास जो तंदूरी चिकन का मसाला था वो ही नहीं था, तो इसीलिए मैरिनेशन में मैंने तब नहीं दिखाया था, बट वो अभी मैंने डाल दिया है, तो आप लोग भी ऐड कर लेना जब बनाओ। तो देखते हैं। और मेरे पास तो वैसे भी कुछ ग्रिल के लिए नहीं है, तो मैं इसको मतलब पैन में ही बनाऊंगी जो तंदूरी चिकन। और उसके लिए और इतना तामझाम करना पड़ा ना, बस वो खाने के लिए वो जो स्मोकी फ्लेवर देना पड़ता है, जो वो भी एक टेक्निक है। टेक्निक है कैसे करना है वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें क्या डालते हैं? कोयल जो होता है, कोयला जो होता है, कोल जो होता है, क्या कोल बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। चारकोल, चारकोल, चारकोल जो कोल होता है, आई डोंट नो, कंफ्यूज। हाँ चारकोल। हाँ, तो वो उसको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ा। तो हमारा मतलब जो यहाँ पर एक ग्रोसरी शॉप है, तो उनको पिंकू ने फोन करके मतलब बोला, फिर उन्होंने मतलब किसको फोन करके बोला, फिर वो आधे घंटे में बाद देके गए, मतलब मिल गया। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड नहीं, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू पिंकू। जुगाड़ लगाया, उनका जुगाड़ बहुत दूर दूर तक चलता है किसी भी काम में। तो भाई बहुत सारा काम है ये बिल्कुल। आज सैटरडे है, सैटरडे है, लेजी 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 सैटरडे। हाँ, तो बिल्कुल पूरा दिन सैटरडे ब्लॉग ऑलवेज बी लेजी। हाँ, पूरा दिन फैल रहे ऐसे। कल का जो ब्लॉग था जो आज गया, मैं वो मैंने सुबह ही एंड किया था, फिर उसके बाद लंच बनाया, एडिट किया, फिर ब्लॉग जो अभी अपलोड किया थोड़ी देर पहले, और अभी फिर आके थोड़ा समय बैठी हूँ मैरिनेशन वगैरह करके, तो वही जाऊंगी बनाने। और आज ना मैंने बिंदी पहनी है, बिंदी बिंदी बहुत दिनों की बात पहनी है। ये बोल रहे थे पहनो पहनो, थोड़ा बहुत दिन हो गया, इनको बिंदी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बिंदी अच्छा लगता है। बिंदी में हमेशा जो सॉन्ग गा रहे थे, ओ बिंदी में तू किन्नी सोहनी लग दी तो मैंने बोला चलो पहन ही लेती हूँ बिंदी, बहुत हो गया, तो इसलिए मैंने बिंदी पहना है। तो वो मैरिनेट करके आई हूँ, तो मैं जाती हूँ, जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ी 10-15 मिनट के बाद जाऊंगी, अब 10-15 मिनट हुआ है उसको मैरिनेट करते हुए, तो फिर जब जाऊंगी तो दिखाऊंगी और मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा रह रहा है वो बोलूंगी। तो मतलब आप घर पे पैन पे मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, तो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, एग्जैक्टली कैसा बन रहा है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप अगर ट्राई करना चाहते भी हो तो भी कर सकती हो। और ये क्या है पता है, यहाँ पर है ये देखो, ये खरीद, यहाँ पर 1 किलो दिया, ये 1 किलो दिया, खरीद के लेके आए हैं भाई। ये हमारे गांव में मतलब घर घर में मिलेगा, जिसमें चूल्हा में मतलब बोलोगे तो किसी को आसपास में, हमारा गांव मतलब पूरा गांव में मिलेगा, विलेज एरिया। हाँ, विलेज। हाँ। हमारा घर पे नहीं मिलेगा, मतलब जिन लोगों का चूल्हा मतलब चूल्हा में खाना बनता है तो मांगोगे तो वो लोग बोलेंगे ये हंस देंगे, ये क्यों मांग रहे हैं। नहीं नहीं, उड़ीसा में ऐसे नहीं, कोयल का फैक्ट्री बहुत होता है ना वो। और ये मनी प्लांट मेरा यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये बड़ा वाला कहाँ, ये नहीं हो रहा है, तुम्हारा मसाला इतना है कि मसाला नहीं आ रहा है, तो नीचे इसे यहाँ पर रखो। ओके ठीक है, आपको जरूरत हो तो आप वो कलर डाल सकते हो, बट हम लोग ये घर में बना रहे हैं बोल के कलर नहीं डाले, कलर थोड़ा अवॉइड ही करती हूं। ये मना की कि नहीं कलर नहीं डालेंगे बोल के, मैं बोला ठीक है। तो ना वो जो हमारा कश्मीरी मिर्ची आती है ना, लाल जो इसमें हम मस्टर्ड ऑयल में करेंगे। बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल प्रीफर नहीं करते हैं, तो वो जो भी उनका ऑयल होगा वो यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारा रेसिपी देखा हूँ वो लोग सब्जी ऑयल, सब्जी ऑयल बोलते हैं, व्हाट इज दैट, सब्जी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, क्या वेजिटेबल ऑयल मिलता है क्या, वो रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, उसी टाइप का ही है, जैसा राइस ब्रैन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, उसी टाइप का ही है वेजिटेबल ऑयल। ये देखो, और इनका ये कैसे डाल रहे हैं, देखो एक डाल रहे हैं फिर भाग के यहाँ आ जा रहे हैं। देखो ऑयल को कभी भी मतलब
मजाक में मत, मजाक में मत लेना। हाँ। और अभी ये मसाला को क्या करेंगे, हाँ, वैसे ऊपर डाल दो, थोड़ा सभी जगह में डाल देंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट है ये मसाला। यस। अगर मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, जरूर बिल्कुल नहीं आएगा। क्या? बिल्कुल नहीं आएगा मजा। सीरियसली यार, तो खाना बनाने के बाद साफ कर सकते थे ना, गिर जाता है ना सामने में, अच्छा नहीं लगता। ये मम्मी का भी है और आपका भी है, ये मैं उनसे ही सीखी हूँ। सास बहुत सेम है ये, पहले मैं क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहुत ही यस। और अभी हम बैठ के देख रहे हैं कि रोडीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका इंतजार में है। ऐसे तो चैनल में बूट का आप सब्सक्रिप्शन ले लिया है क्या आपने? नहीं लिया हूँ, देखता हूँ। और वहाँ पर कितना कचड़ा फैल गया है, एक दिन मैंने आज क्लीन नहीं किया है तो देखो, पानी बोतल मेडिसिन की सैनिटाइजर दो दो भर गया है। चलो चिकन को देख के आते हैं कि क्या हुआ है, चिकन जल ना जाए वरना हो जाएगा मेरा काम तमाम। नहीं यार ऐसा कैसे पानी इतना निकला है, बहुत ज्यादा पानी निकलता है क्या? हाँ पानी निकलेगा ना चिकन से। अब इसको मैं मतलब पलट दे रही हूँ अभी, बना की नहीं चिकन नहीं, तंदूरी चिकन अभी होगा। ओ बाबा, तो ये खाने में और भी एक घंटा है। एक घंटा क्या, 10 मिनट हुआ है अभी, एक घंटा है पर बस, और बस लाइक और भी लगेगा आधा घंटा, 5 to 7 मिनट लगेगा। पक्का? पक्का, 10 मिनट के अंदर आपको खाने मिल जाएगा विथ स्मोकी फ्लेवर। देखते हैं, चलो 10 मिनट देखते हैं। और ये देखिए हमारा चिकन हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे अभी। ये है मेरा जुगाड़ू वाला तरीका, तो ये कढ़ाई लिया है मैंने और छोटा सा, मेरे पास कुछ नहीं है तो ये जो स्टील ही यूज़ करना पड़ेगा, ग्लास का कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें जो कॉयल है वो गर्म करके इसके अंदर डालूंगी और चिकन रहेगा साइड में, फिर इसको जो ढक्कन है गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ऑफ में ही मैं इसको बस 2 मिनट के लिए रख दूंगी। चिकन भी था उसका भी मैंने मतलब साइड में डाल लिया है, और ये जो कॉयल था उसको पिंक यहाँ पर गैस पे थोड़ा सा मतलब आग दे रहे हैं, मतलब ऐसा ये कॉइल थोड़ा मेरे को लग रहा है पानी पानी था कि कैसा फट रहा है, थोड़ा फट रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं उसको थोड़ा सेफ्टी मेंटेन करके कर रहा हूँ। ये कॉइल अभी हो गया है, डाल दो अभी अंदर, बस 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 बस, हाँ दो ढक्कन दो जल्दी, ढक्कन दो जल्दी, ढक्कन दो, देखो इसका कैसा आया। यस, तो इसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना। ये जो धुआं निकल रहा है आप देख ही पा रहे हो। ओके गाइस, तो फाइनली जो तंदूर चिकन है बन गया और मैं खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक बार करो कैसे कर रहे थे मतलब जो खुशबू से पेट भर जाए, बहुत दिन हो गया हमने खाया नहीं था, तो देखते हैं, और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है तो कैसा बना है देखते हैं। पहले पिंकू टेस्ट करेंगे और रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देना, बिल्कुल झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, नमक हल्दी जो भी कम वो बोलना वो सच, रेटिंग भी देना, मार्क भी देना, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 8 ड्यू टू ओनली थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ अदरवाइज गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक ट्राई करो तंदूरी चिकन बाहर से मंगाना भूल जाओगे आप। अच्छा, आराम से बहुत इजी प्रोसेस है, आप तो देख रहे हो प्रोसेस तो बहुत इजी है, कुछ भी करने का, 250-300 रुपया देके तंदूरी चिकन मंगाए भाई, और वो भी बड़ा बड़ा पीस, ये मीडियम साइज का पीस, हाँ हम लोग को वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बहुत बड़ा ये भी मतलब जो कच्चा था ना बहुत बड़ा लग रहा था, बट कुक होने के बाद आधा हो गया, क्लासिक हुआ। लो मतलब पूरा स्मोकी फ्लेवर जो है ना, वो इस चीज की कमी है, पुदीना चटनी, पुदीना चटनी पुदीना मेरे पास नहीं था, मायोनीज है, बट बहुत लोग मायोनीज देके खाते हैं, अगर आपको मन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास मायोनीज, मैं मायोनीज देके खाऊंगा थोड़ा, ठीक है मैं लेके आती हूं। हाँ नहीं। और ये हमारा मायोनीज, इनके हिसाब से थोड़ा टेस्ट करके देखो, हाँ ट्राई करते हैं मतलब मायोनीज के साथ कैसा लग रहा है। हाँ सच बोलना, कुछ उतना मतलब डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे, डिफरेंट फील नहीं हुआ, तो मायोनीज को वैसे मोमोज वगैरह के साथ उसका जो टेस्ट है वो आता है, वो प्याज के साथ मायोनीज खा रही है, मतलब चिकन पड़ा है वहाँ पर है, वो प्याज के साथ मायोनीज खा रही है। ओके चलो, अब बहुत जोर से भूख लग रही है देख के और नहीं रुक पा रहे हम लोग, तो हम लोग खा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपके साथ, चलो बाय बाय।
ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह बिल्कुल मेरा गला थोड़ा सा बैठ गई है और रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। खाने के बाद हम लोग रोडीज देखने बैठ गए थे, फिर वो ऐसा होके बहुत लेट हो गया था, मैं सो गई थी। बट वो चिकन सच में अच्छा बना था। पैन में भी आप अगर ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली वो घर पे आराम से ट्राई कर सकते हो। हाँ, बहुत इजी प्रोसेस है। अभी बाहर जैसे नहीं खा पा रहे, बट हाँ वो बस वो जो चारकोल वो ही बस चाहिए, ढूंढ के लाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन में बिग बास्केट में मिल जा रहा होगा, लोकल मार्केट में हर जगह में मिलता है। लोकल बाहर कहाँ जाएंगे, हमारे उसमें लेकिन घर में लाके दे दिया, बट कहाँ जाएंगे सब। आई थिंक बिग बास्केट वगैरह मिल रहा होगा, हमारा इंस्टेंट प्लान बना इसलिए हमने और चेक भी नहीं किया। मिल जाएगा अमेजन वगैरह में, आई गेस मिल ही जाएगा। अभी तो 1 किलो ले आया हूँ। अभी जो भी मतलब तड़का डालना है, मतलब किसी में भी तंदूरी फ्लेवर लाना है, बस मारो स्मोक, तंदूरी फ्लेवर हो गया। पनीर सब्जी बनाओ उसमें स्मोक मारो, तंदूरी पनीर कुछ भी। हाँ, सब्जी में अभी इनको स्मोक चाहिए। बट नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है जो स्मोक की फ्लेवर आने के बाद। और मार्केट में क्या होता है कि मतलब हम लोग बहुत तंदूरी चिकन देखे मसाला वाला होता है, और ये हम लोग का ड्राई हुआ था, स्मोकी फ्लेवर होता है। नहीं, मसाला वाले भी अलग सी बनती है वो, उसका दो प्रोसेस है, मसाला अलग बनता है, ऐसा अलग बनता है। ठीक है, मसाला वाला भी ट्राई करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम प्रीवियस ब्लॉग पे, हम नेक्स्ट ब्लॉग पे बोलेंगे कि हम घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो डिसीजन आप लोग को बोलेंगे। तो फाइनली अब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि मतलब हम जा इसलिए रहे थे कि ताकि थोड़ा मतलब यहाँ से जाके वहाँ पर सेफली रह पाए। आपको जैसे पता है कि हम लोग टिकट भी कर चुके थे, और अभी हम लोग इसलिए कैंसिल करने के लिए सोच रहे हैं कि टिकट हम लोग अगर जाएंगे भी तो वहाँ पर क्या करेंगे, मतलब वहाँ पर घर के पास कल पापा से बात हुआ, जो हुआ था एक हुआ था जो उनका फैमिली टोटल हो गया है, मतलब मेरे घर के पास ऑलरेडी 4-5 हो गया है। बेसिकली ये है कि हम इसलिए जा रहे थे कि हम वहाँ पर थोड़ा सेफली रह पाएंगे, तो यहाँ पर इतना रिस्क है तो वहाँ पर हम थोड़ा रिस्क लेके जाके ट्रैवल करके सेफली रह पाएंगे। अभी मतलब वहाँ पर भी कोई नहीं, सेम सिचुएशन यहाँ पर जो है वहाँ पर वो ही है, और फालतू में हम ट्रैवल का भी रिस्क लेंगे साथ में। अभी हम लोग एक रिस्क लेके जाएंगे और कुछ नहीं, उसके साथ हम लोग अभी ट्रैवल करेंगे, रिस्क लेके जाएंगे। अभी 16 को मेरा टिकट हुआ था, अभी जो सिचुएशन जो मेरा नेटिव में जो सिचुएशन हुआ है, तब तक और भी केस बढ़ सकता है। और जैसा कि मतलब बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया कि मतलब बाहर से कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, वो भी हो सकता है इन फ्यूचर में। तो उससे बेहतर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, टिकट कैंसिल कर देते हैं, हम लोग वहां पर भी जाके रहेंगे घर में, यहाँ पर भी घर पे रहेंगे, तो सेफ्टी सेफ्टी दोनों जगह में नहीं है। सच बोलूं तो सेफ्टी दोनों जगह में नहीं है, बैंगलोर में नहीं है। फालतू में हम मतलब 14 दिन क्वारंटाइन पे रहेंगे वहां पर जाके, यही सब। हाँ, एक बात था, हाँ घर के साथ जाके रहना था, घर वालों के साथ रहना था, वो एक बात था, लेकिन वो तो हम कभी भी जा सकते हैं आराम से, वो तो हम लोग जाएंगे, कंपलसरी जाएंगे, सेफली जाएंगे। बट अभी का सिचुएशन में अगर हम लोग जाएंगे वहां पर, और वहां पर हम लोग ऐसा पूरा घर में पूरा 14 दिन तो क्वारंटाइन तो रहना पड़ेगा, वो तो पहले से पता था हमको, बट सेफ्टी वहां पर भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बाहर भी नहीं जा पाएंगे। हम लोग अगर सोचेंगे कि नहीं ब्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा हम लोग जाएंगे कहीं बाहर पे, हम लोग सोच के भी जा रहे थे कि अच्छा चलो यहाँ पर तो कुछ भी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर थोड़ा मौसा का घर हुआ, मासी का घर हुआ, ऐसे घूमने के लिए जाएंगे थोड़ा बहुत, वहां पर भी थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, बट वो सब नहीं हो सकता है। वो पूरा मतलब अभी जैसे पापा से बात कर रहा था, वो लोग अभी मतलब कलेक्टर जो है हमारा, अभी क्या हो रहा है ना, मतलब रोज रोज कुछ उनका नया रूल्स निकल रहा है, ज्यादा जितना बढ़ रहा है उनका कलेक्टर तो जो है, अभी बोल रहे हैं कि 1 महीने के लिए वो पूरा शटडाउन करने के लिए भी सोच रहे हैं। हाँ, जाते जाते होम क्वारंटाइन भी जो है वो भी उठ जाए। हाँ, तो वो भी हो सकता है होम क्वारंटाइन उठ के, अभी उनका जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर भी सेफ है हम लोग, मतलब ऐसा बेटर घर पे ही है हम लोग। और पापा वही चीज बोले, अगर तुम लोग वहाँ पर सेफ्टी मेंटेन कर पा रहे हो तो उनको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर भी रुको यहाँ पर भी रुको, अगर सेफ्टी मेंटेन करना है। लेकिन तुम लोग को मैं आपको उस दिन ब्लॉग में बोल रहा था, वीडियो में बोल रहा था कि मेरा साइड घर में हो गया है, बट 2 दिन के बाद पता चल रहा है कि उनका नेगेटिव आ गया। कल हमको फिर से मतलब रात को पता चला कि नहीं वो आ गए हैं, नेगेटिव आ गया। मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा टेस्ट कर रहे हैं, एक दिन में कोई कैसा आ जाएगा, मतलब हाँ ये कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब किसी को ले जा रहे हो तुम COVID-19 बोल के, मतलब ऐसा करके वो लोग ज्यादा ही और कर देंगे ये सब चीजों में, मतलब फालतू का किसी को बोल के तुम ले जा रहे हो, फिर 2 दिन के बाद बोल रहे हो कि नहीं आपका COVID-19 नहीं है। अगर भाई उसको 2 दिन तुम लेके COVID-19 का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे तुम, उसको तुम COVID-19 के वो जो बोलते है ना वार्ड में, COVID-19 वार्ड में तुम रख कैसे रहे थे भाई, ऐसे तो COVID-19 हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, मतलब टेस्ट परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये सुन के ही कुछ कुछ अलग अलग लग रहा है। तो फिर चलिए ये जो ब्लॉगिंग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं और एक
ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अभी बात सेफ रही है यही बोल सकती हूँ। स्टे सेफ स्टे हेल्दी और कुछ नहीं, घर में रुको और जितना अच्छा अच्छा खाना है बना के खाओ। जैसे पहले हम लोग लॉकडाउन पालन कर रहे थे लाइक मार्च अप्रैल के टाइम पे, बहुत सारा मैं देखा हूँ ऐसा, बहुत सारा खाना बना बना पता नहीं ना कितना दिन है और घर पे ऐसा बैठना है, आराम से एक्सपेरिमेंट करते जाओ एंजॉय करते जाओ लाइफ को और कुछ नहीं, मतलब ये सब दिमाग में निकाल दो, कोरोना वगैरह सब निकाल दो, एंजॉय करते जाओ। सोचो कि एक वेकेशन पे आए हैं, घर पे एक रूम पे हैं, आराम से एंजॉय करेंगे। बाय बाय।